हाय, दिस इज सोनिया कौर और आप मुझे देख रहे हैं नेशनल रिपोर्टर पे। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। शो की अगर हम बात करें, सीन आपने अभी जस्ट शूट किया है, जा लव कन्फेशन हो रहा है, करना है नहीं करना है, क्या होने वाला है, कुछ अगर आप बता सकें। जी, हीर की भाभी होने के नाते मैंने उसे आज बहुत समझा तो मैं पहले भी कहीं एपिसोड से रही हूँ, लेकिन आज मैंने और जोर दे के समझाया उसे। मैंने एहसास दिलाया कि जीता उसका दोस्त नहीं है, जीते से वो प्यार करती है। आज मुझे लगता है मेरी बात उसने सुन ली, समझ ली। तो क्या लगता है ये प्यार होगा, मतलब कन्फेस करेगी, मतलब मैंने तो उसे पूरा से कन्विंस करके भेजा है, ये भी गई है कि वो जाके जीते को बात बताएगी या नहीं बताएगी, ये बात तो मुझे भी पता नहीं अभी तक, क्योंकि मैं तो घर पे ही रह गई। अभी है जी, हमारे शो को और बहुत 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 प्यार मिले। ऑडियंस तो हमारे साथ जुड़ चुकी है, लेकिन और ऑडियंस भी मैं चाहती हूँ हमारे शो के साथ जुड़ जाए। ओके, रिसेंटली कंप्लीट हुआ है शो को, क्या इसको लेके, मतलब शो ने, मतलब आजकल 100 एपिसोड भी कंप्लीट नहीं होते शो के, वो ऑफ एयर हो जाते, लेकिन योर शो कमेंडेबल, मतलब कंप्लीट किया 100 क्या, हम बहुत सारे 500 उससे भी आगे जाएंगे शो को। और हम पॉजिटिव हैं अपने शो को लेके, हम जानते हैं स्टोरी बहुत अच्छी है, किरदार सब बहुत अच्छे हैं, और हम दोनों, हम मतलब पूरे एक्टर्स भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, हम पूरा फैमिली फील ही करते हैं यहाँ पे। मुझे तो कल ही मेरे फ्रेंड का कॉल आया था, वो जमशेदपुर में रहता है, तो वहाँ पे कोई उसकी मासी थी, वो शो देख रही थी और उसने बताया तो मेरी दोस्त है, तो मतलब लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं और वो खुश हो गए एकदम से। अरे ये तो लग रहा था कि ये सब जो है वो ऐसा भी होता है कि ये कैरेक्टर्स जो है इनकी रियल लाइफ भी है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी है, तो लोग जुड़ रहे हैं। देखिए, उनका भी कल कॉल आया, मुझसे बात हुई, तो मुझे अच्छा लगता है कि यार लोगों को पसंद आ रहा है काम। आखिर में आप अपने फैन से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं फैन से यही कहूँगी, प्लीज़ हमारा शो देखिए, हमारे शो को ढेर सारा प्यार दीजिए, आप दे भी रहे हो और प्यार चाहिए मुझे। थैंक यू।